हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मज़े में हो गए और पॉजिटिव फील कर रहे हो गए। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव स्टार्ट की लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके जो भी पार्टनर है जिनके बारे में आप इस वक्त सोच रहे हो, उनकी इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, वो क्या कुछ सोच रहे, क्या कुछ फील कर रहे हैं। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थीटा पे ध्यान ना दे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रिजल्ट नहीं कर सकती। जो रिजल्ट होता है उसे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से महीनों से इंतजार कर रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स है। आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, ओके। ट्रू मैसेज जीनियस, इस वक्त मेरे व्यूअर्स इनके पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं, इस वक्त मेरे व्यूअर्स इनके पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं। गाइडेंस, हो सकता है कि आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो इस रिश्ते के बारे में, अपने दोस्तों से पूछ रहे होगे, अपने घर वालों से पूछ रहे होगे, या तो किसी और से, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड आया है। या तो ये हो सकता है कि यूनियन आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपके पार्टनर को लेके आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको डेफिनेटली किसी की हेल्प की ज़रूरत है। तो आप हेल्प ले सकते हो, किसी से पूछ सकते हो कि आखिर मैं करूँ क्या, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने माइंड सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव नेगेटिव थॉट से घिरे हुए हो। कभी आपको अच्छा लगता है आपके पार्टनर को लेके, और कभी उनको लेके बहुत ज़्यादा गलत थॉट्स करने लगते हो, उनको मतलब कोसने लगते हो, बद्दुआ देने लगते हो, और कभी बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर पाते हो। तो फाइटिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, आपका सबकॉन्शियस माइंड इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा आप टावर को याद कर रहे हो, आपके पार्टनर ने आपके साथ जो भी किया है गलत डेफिनेटली किया है, जिस वजह से आप इनको लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। द ड्रीम का कार्ड है यहाँ पे, आप इनको लेके डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हो, या तो आप इनको किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ मतलब फिजिकल होते हुए, सेक्स करते हुए बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हो। तो आपको ना ऐसे इमेजिन करके आपको बहुत बुरा लगता है कि नहीं आप नहीं कर पाते, आपको नहीं अच्छा लगता है कि आपके पार्टनर किसी और के पास खड़े भी है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, और आप जैसे कि डे ड्रीमिंग करते हो कि आपके पार्टनर आपके साथ है, आप बहुत ज़्यादा अच्छे से हो, मज़े कर रहे हो, आपकी इस रिश्ते की जो अच्छी अच्छी बातें है पास की वो बहुत ज़्यादा विजुअलाइज करते रहते हो। डे ड्रीमिंग का कार्ड है यहाँ पे। डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हो, रीयूनियन चाहते हो, इस रिश्ते का रीबर्थ दिल से चाहते हो, चाहे जो हो जाए। इन्होंने आपको थंडरबोल्ट दिया है, इतनी तकलीफ देने के बावजूद, इतना दिल तोड़ने के बावजूद भी आप इनसे फिर से रीबर्थ चाहते हो इस रिश्ते में। आप पास्ट लाइफ जो भी हुआ है ना आपके साथ, पास्ट लाइफ से यहाँ पे आपका डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, और इस रिश्ते की पास्ट की बातें जो भी है आपके माइंड से नहीं जा पाती है। आपको बहुत ज़्यादा मतलब ना आप इस रिश्ते की पास्ट की बातें आप अपने माइंड से नहीं निकाल पाते हो। करंट पे भी आपके माइंड में वो बहुत चल रही है, और मैंने बोला वही पास्ट की बातों में से कुछ अच्छी अच्छी बातें जो है वो आप डे ड्रीमिंग में देख पाते हो। बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग चल रही है। फ्लावरिंग का कार्ड है यहाँ पे। आप आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ग्रो करते हुए, चमकते हुए, खुश देख पा रहे हो, और जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या सिर्फ मैं अकेली इस रिश्ते में रिवर्स चाहती हूँ, मेरा पार्टनर नहीं चाहता। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है यहाँ पे। आपको लगता है डेफिनेटली आपसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं, इस तरह की एनर्जीज हैं। यहाँ पे हारमोनी का कार्ड जो कि रीयूनियन को शो करता है, ठीक है। आप दिल से इस रिश्ते में रीयूनियन चाहते हो, शादी करना चाहते हो, अपना परिवार चाहते हो आपके इस पार्टनर के साथ। कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना है, क्योंकि कंडीशनिंग का कार्ड यही शो करता है कि डेफिनेटली आपके जो भी पार्टनर है अपने कंडीशंस के ऊपर इस रिश्ते को चलाना चाहेंगे। आपके पार्टनर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि के हो सकते हैं। इनके पता है प्रॉब्लम क्या है। एक तो पहले इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, अपने आप को मतलब लायन समझते हैं, जैसे कि जंगल का राजा, मैं किंग हूँ, और किंग मतलब कि मेरी बातें सबको माननी चाहिए, मेरी फैमिली को भी, जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ पर भी, मेरे दोस्तों को भी, और आपको भी, अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी तो उसको भी, मैं जैसा बोलूँगा अगर ऐसे करते हैं तो ही मुझे अच्छा लगता है, नहीं तो नहीं। ऐसे आपके पार्टनर है, अगर आप इनके साथ रिश्ते में भी थे ना, उस टाइम पे भी आपने इनको बहुत ज़्यादा ऐसा देखा होगा कि आपको समझना ही नहीं चाहते, आपकी बात सुनना ही नहीं चाहते, और हर बार जो कि अपना ही चलाएंगे। अगर कभी गलती हो जाए, झगड़े हो जाए, भले इनकी गलती हो, लेकिन उस झगड़े में भी आपकी गलती कैसे है ये आपको प्रूफ करके दिखाते थे। फिर आपको ऐसा लगता था कि हाँ यार, मिस्टेक तो मेरी हुई है, पता नहीं मैंने इसके ऊपर क्यों ब्लेम किया, पता नहीं मैंने क्यों झगड़ा किया। आप मतलब ना आपको अपनी बातों में उलझाना इनको अच्छे से आता है,
आपको ही नहीं किसी को भी, या अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसे समझते कि मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी हूँ और जो कि मैं किंग की पावर रखता हूँ, इस तरह की एनर्जीज हैं। करंट में भी ये यही सोच रहे हैं, जैसे आपके साथ पहले थे सेम वैसे ही इनको रिश्ते स्टार्ट करना है। वो आपको पहले जैसे ही देखना चाहते हैं। आपके अंदर जो बदलाव आया है आपके डिस्टेंस ने, इस टावर के बाद आप जो चेंज हुए हो ना, ये चेंज ये नोटिस कर पा रहे हैं। इसी वजह से परेशान है कि पता नहीं क्या अभी आप इनकी बात सुनोगे भी कि नहीं। दिल करता है अभी जाके आऊँ, जैसे कि कोई शेयर कंट्रोल नहीं कर पाता तो ये भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। लेकिन पेशेंस, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा के पेशेंस, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा के चुप बैठ रहे हैं। इनको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ तो करना है, या तो इनको या तो आपको, दोनों में से कोई एक अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेगा तब जाके ये रिश्ता स्टार्ट होगा, इनको अच्छे से पता है। लेकिन इनको कॉम्प्रोमाइज़ आप ही से करवाना है, खुद नहीं करना है। प्लेफुलनेस का कार्ड है यहाँ पे आपके साथ, जैसे कि प्लेफुलनेस के एनर्जीज में आना चाहते हैं, प्यार शेयर करना चाहते हैं, अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, हीलिंग, अपने इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं हो सकता जब तक कि आप इनकी बात ना मानो, ऐसा इनको दिल से लगता है, इस तरह की फीलिंग से इनकी इस वक्त आपके लिए। तो आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है? टोटलिटी। आपका रियूनियन तो डेफिनेटली होने वाला है। अगर आप सच में ये रिश्ता चाहते हो तो आप इनको कर लो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं, अभी इनकी बात नहीं सुनोगे ना करंट में, तो फ्यूचर में जाके पता है क्या होगा, ये भी आपके लिए एफर्ट्स डालना बंद कर देंगे, आप इनका इंतज़ार करते बैठोगे और ये जो कि अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हो जाएंगे, फिर तो एक्शन लेने के बारे में भी नहीं सोचेंगे। तो करंट में अगर ये आपसे कुछ चाह रहे हैं ना, तो आपको उनकी ये बात माननी पड़ेगी, नहीं तो फिर बाद में आप पछताओगे बहुत ज़्यादा। गिल्ट का कार्ड है यहाँ पे, फिर आपको फिर से गिल्ट महसूस होगा, यार काश मैं उस टाइम पे उसकी बात मान लेती तो कितना अच्छा होता, इस तरह से आपको यूनिवर्स बता रहे हैं, ठीक है। तो सोचो, डिसाइड करो आपको क्या करना है, ठीक है। यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।